बागेश्वर जिले में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि मतदाताओं को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान संचालित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जा चुका है, जिस पर 15 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए स्वीप टीम व सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज किया जाना जरूरी है, ताकि चुनाव में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, अभी हमारा निर्वाचक नामावली का स्पेशल समरी रिवीजन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसका प्रकाशन 16 दिसंबर को हो चुका है और 16 से लेकर के 15 जनवरी तक उसमें दावे आपत्तियां कॉल किया गया है। और ये हमारा रोल जो है वो सभी जगह पे सभी ऑफिसों में चस्पा किया गया है, जन सामान्य उसको देख सकते हैं और वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो जिसका नाम छूटा है उनसे अनुरोध रहेगा वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मेरा सभी से भी अपील है कि बाद में क्या होता है, किसी का नाम अगर छूटा होता है तो सभी लोग फिर इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है और फिर उनका नाम भी दर्ज नहीं हो पाता कभी कभी। तो मेरा सभी से अपील रहेगा कि समय के अंतर्गत अपना नाम आप लोग जरूर चेक कर लें। और इसका जो हमारा फाइनल पब्लिकेशन होना है रोल का, वो 7 फरवरी को होना है। तो उसी के संबंध में आज यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सभी SDM, तहसीलदार और निर्वाचन की टीम और सभी राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और सभी को इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। तो मेरा पुनः सभी से अनुरोध है, सभी लोग अपना नाम जरूर चेक कर लें, यदि किसी का छूटा है तो अपना नाम दर्ज करा लें, ताकि हमारी जो रोल है इलेक्टोरल रोल है वो पूरा त्रुटि रहित हो और विवाद रहित हो। नहीं देखिए, वो जो नाम कटने वाली बात है वो पंचायत इलेक्शन में ऐसा हुआ था, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था हमारा उसमें कोई इस तरह की शिकायत नहीं थी, उसमें तो काफ़ी अच्छा रोल हमारा था, कोई कहीं से भी शिकायत नहीं आई। लेकिन जो ये पंचायत इलेक्शन हुआ त्रिस्तरीय पंचायत का, उसमें काफ़ी शिकायतें आई हैं और बहुत लोगों का नाम वास्तव में छूट गया था। तो इसमें इस बार मैंने सभी को कड़े रूप से निर्देशित किया है, वो सभी ब्लॉक्स को और हमारे जो भी BLO हैं सुपरवाइजर है कि वो लोग इसमें सीरियसली काम करें और यदि किसी का छूटेगा तो उसको बहुत ही प्रतिकूल लिया जाएगा। तो इस बार पंचायत में ये प्रॉब्लम हुई थी, लोकसभा विधानसभा में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई थी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।